हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ HTML के इस वेब सीरीज़ में। इस वेब सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं HTML। HTML जो कि बेस है वेब डिज़ाइनिंग का। अगर आप एज ए वेब डेवलपर जॉब करना चाहते हैं या डिज़ाइनर काम करना चाहते हैं तो आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो HTML जिसका फुल मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब सवाल ये उठता है कि HTML का यूज़ क्यों करते हैं, HTML का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। HTML का यूज़ हम वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं, वेब पेज क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप जूनियर डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं, वेबसाइट एडिटर के रूप में काम कर सकते हैं, कंटेंट एडिट कर सकते हैं, या फिर अपना कैरियर बना सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग में और किसी दूसरे का वेबसाइट बना करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे HTML को किसने डेवलप किया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वॉज रिटन बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1993 में HTML का पहला वर्जन रिलीज हुआ था, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। विच HTML वर्जन, HTML का भी दो वर्जन है, HTML 5 और HTML 4। हम अभी जो काम करेंगे वो करेंगे HTML 5 पे, जो कि लेटेस्ट वर्जन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा जब हम HTML पर काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहला हमको चाहिए एक HTML टेक्स्ट एडिटर और दूसरा चाहिए मुझे एक ब्राउज़र। दो मुझे HTML को सीखने के लिए ये दो सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, पहला HTML एडिटर और दूसरा ब्राउज़र। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि HTML कौन कौन सा हो सकता है, पहला आपका नोटपैड, दूसरा नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड या फिर सबलाइन। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं HTML के कोड को एडिट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट सभी कंप्यूटर में नोटपैड रहता है। यदि आप नोटपैड प्लस प्लस पे काम करना चाहते हैं तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राउज़र। ब्राउज़र भी बहुत सारा होता है, पहला आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको हर एक कंप्यूटर में मिल जाएगा जो कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। क्रोम आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सफारी जो कि आपको मैक में मिलेगा, और इसमें से आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे बेसिक सेंटेक्स के बारे में, ये क्या होता है। पहला आपका यहाँ पर दिख रहा है सेंटेक्स, मतलब कि जो टैग होता है, जो भी टैग होगा वो ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रेटर देन लेस देन दिया है, इसी के अंदर में जो भी टैग होगा उसका नाम होगा। यहाँ पे आपका हेड टैग भी हो सकता है, बॉडी टैग भी हो सकता है, या फिर पैराग्राफ टैग भी हो सकता है। हर एक टैग का अलग अलग काम है, आप हर एक टैग को सीखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आपको दो टैग दिख रहा है, पहला दिख रहा है कि आप ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में टैग लिखा हुआ है, इसमें आपका कोई भी नाम हो सकता है, और नीचे आपको दिख रहा है एक बैक स्लैश का साइन दिया है। ऊपर जो टैग है इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग, और नीचे जो बैक स्लैश लग के टैग बना है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग टैग। जो भी टैग मेरा ओपन होगा वो टैग बंद होगा क्लोजिंग टैग से। आगे हम लोग जानते हैं कि इस टैग के बीच में यदि हम कुछ लिखते हैं तो वही मेरा आउटपुट में प्रिंट होगा। मतलब यदि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं और उसमें ऐसा यदि कोई टैग लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिखेगा, और जो टैग लिखे हैं वो आपका शो नहीं होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो टैग हम लिखते हैं उसका नाम क्या है। पहला आपका HTML है और HTML क्लोजिंग टैग लगा हुआ है। इसी टैग के बीच में सभी टैग रहेगा मेरा HTML का, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग। इसके बीच में पहले आपका हेड टैग आता है, जिसके अंदर में हम लोग टाइटल भी रख सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड में जो मेरा काम होता है, जैसे आपका CSS हो गया या फिर जावा हो गया, इसी के अंदर में आप उसका टैग रख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल को रखे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वेब पेज। ये टाइटल होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है, यही आपका टाइटल होता है। यदि आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप टाइटल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हेड के बाद आता है आपका बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो आपका ब्राउज़र पे शो होगा। जैसे हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो ब्राउज़र में भी वही टाइप होगा हेलो वर्ल्ड। अब HTML को हम सेव कैसे करेंगे। यदि हम कोई भी HTML का फाइल बना लेते हैं तो उसको सेव करने का तरीका क्या होता है,
कि जो भी आपको फाइल का नाम रखना है वो आप नाम लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में आपको .html लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप .html नहीं लगाते हैं तो वो आपका टेक्स्ट फाइल बन जाएगा, फिर आपका ब्राउज़र में वो नहीं खुलेगा। तो .html लगा के आप यदि सेव करते हैं तो आपका ब्राउज़र में खुलेगा। तो आप लोगों ने जाना कैसे हम लोग HTML फाइल को क्रिएट करेंगे, बॉडी क्या होता है, टाइटल क्या होता है और कैसे सेव करेंगे। तो थैंक यू।